नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर के गांव तलवंडी भाइया में शेयर मार्केट में हुए नुकसान से दुखी एक परिवार के 4 सदस्यों ने निगली सल्फास की गोलियां, महिला सहित 2 बच्चियों की हुई मौत। पठानकोट के भुआ क्षेत्र में एक शादी समारोह में आए 2 नौजवानों की नहर में नहाते समय डूबने से हुई मौत, शादी का माहौल मातम में बदला। फिरोजपुर तरनतारन के आबकारी विभाग व पुलिस टीम ने ब्यास व सतलुज दरिया के किनारे पड़ते गांव में की छापेमारी। 50,000 लीटर से अधिक लाहन और 250 लीटर नाजायज शराब की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर के गांव तलवंडी भैया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक परिवार के 4 सदस्यों ने सल्फास की गोलियां निगल ली, जिस कारण एक महिला और 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये परिवार तलवंडी भैया के बुड्ढा खू का रहने वाला था, जिनके बेटे अमन गुलाटी ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे और शेयर मार्केट डाउन हो जाने के कारण उसे काफी घाटा पड़ गया था, जिस कारण अमर गुलाटी ने अपनी पत्नी मोनिका, एक 8 वर्षीय बच्ची और एक 2.5 वर्ष की बच्ची सहित सल्फास की गोलियां खा ली, जिसके बाद पत्नी मोनिका और बच्चियों की मौत हो गई। तो वहीं अमन गुलाटी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से लगातार हिदायतें जारी की जा रही हैं कि नहरों में नहाने ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं और नहर में नहाने चले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिला पठानकोट में पड़ते भुआ के गांव छन्नी टोला में, जहां एक शादी समारोह में पहुंचे 2 नौजवान नहर में नहाने गए और नहाते समय पानी के तेज बहाव के साथ ही बह गए, जिस कारण दोनों की डूबने से मौत हो गई और शादी समारोह मातम में बदल गया। तो वहीं स्थानीय लोगों व NDRF की टीम की मदद से दोनों के शवों को पानी से बाहर निकाला गया। ਦਰਜੀਤ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹਾਉਣ ਡੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, AC ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ NDRF ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਆ ਦੋਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਹੀ? ਹਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਜੇ? ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਦਸੂਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਗਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਢ ਲਏ। ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਮਰਾਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਮਸਕੀਨ ਅਲੀ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਏ ਸਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ 2024 ਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਔਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਕੀ पालना करते हुए नाजायज शराब निकालने पर रोक लगाने की मुहिम को जारी रखते हुए फिरोजपुर और तरन तारण जिले की आबकारी विभाग, पुलिस और वन विभाग की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। दोनों जिलों की सीमा के साथ लगते ब्यास और सतलुज के दरिया के किनारे पर स्थित गांवों कीड़ियां और मरड़ में छापेमारी की गई। इस दौरान टीम की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। इस छापेमारी के दौरान ड्रोन की मदद से 10 प्लास्टिक तिरपालों को ढूंढ निकाला गया, जिसमें
50,000 लीटर से अधिक लाहन बरामद की गई। इसके अलावा 4 ड्रम और अन्य सामान भी बरामद किया गया। इस दौरान 4 भट्टियों को काबू किया गया, जहां पर 250 लीटर नाजायज शराब भी बरामद की गई है। होशियारपुर के क्षेत्र दसूहा के अधीन पड़ते गांव टेर कियाना के शूरिया मोहल्ला में एक 22 वर्षीय नौजवान मनप्रीत सिंह की अमेरिका में मौत हो जाने से पूरे गाँव में शोक की लहर है। तो वही इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए मनप्रीत के पिता बलजीत सिंह ने बताया कि मनप्रीत उनका इकलौता बेटा था और 6 वर्ष पहले अमेरिका गया था। वह अमेरिका के सियाटल शहर में रहता था। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उन्हें मनप्रीत का फोन आया था और उसने बताया था कि उसे नई जगह नौकरी मिली है। ये खबर सुनकर परिवार के सभी लोग बेहद खुश थे, लेकिन गत रात्रि मनप्रीत के दोस्त का अमेरिका से फोन आया, जिसने बताया कि मनप्रीत की पानी में डूबने से मौत हो गई है। इस खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही इसी गांव के 2 दोस्तों की भी अमेरिका में ट्रक दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिछले 2 महीनों में टेरकियाना गांव के 4 नौजवानों की विदेश में मौत हो चुकी है, जिसमें से 3 नौजवान अमेरिका में थे। तो वहीं परिवार ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से मनप्रीत का शव भारत लाने की गुहार लगाई है, ताकि उसका अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से कर सकें। देखो जी, उन्होंने गए 2019 में गया है जी, तो 22 साल उसकी उम्र हो गई, तो 5-6 साल लगा ही। तुहानू कदों पता लगता कि बेटे ने इस तरह हादसा वापरिया? सानू रात 11 बजे पता लगा जी। की कारण की सीगा, किस तरह होया? ये देखो जी, रेस्टोरेंट चो काम तो आए थे, एक मुंडा होर सी नाल, तो नहाउण गए थे, तो वो दूसरे मुंडे का फोन आ गया, तो वो फोन करना पिया, इन्हें पानी च छाल मारती, पानी डूंगा सीगा, तो वो उस मुंडे ने दूजे ने कोशिश की कढ़न की, पर उसको निकलिया नहीं, तो फिर मतलब उन्हें पुलिस वाले बुलाए, पुलिस वाले बुला के, तो फिर मतलब पुलिस वाले ने कढ़िया। हाँ जी, रात पता लगा। लास्ट हुई परसों ही रात को 11 बजे डेली फोन आता ही रात को। मतलब ठीक ठाक काम से जाता, ठीक ठाक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, तो रेस्टोरेंट काम से जाता है। हाँ जी, इकलौता बेटा से? हाँ जी, इकलौता। की मांग करते हो पंजाब सरकार को, केंद्र सरकार को? पंजाब सरकार को यही मांग करते हैं, मतलब हमारी डेड बॉडी थानू मिल जानी चाहिए। परसों हुई, कहता मम्मी मैं रेस्टोरेंट चला के हाँ, मैं कल फोन करूँगा, हूँ मैं बिजी हाँ, कल नहीं मेरे ना गल हुई, परसों हुई 11:30 गल। वो तो बाद कल नहीं फोन आया, रात पता लग गया भी ये गल हो गई है, मतलब आ कई केस हो गया ए। तो अज मुड़ के मैनू यो, मैं केंद्र सरकार तो कहती मेरे पुत की डेड बॉडी इतने लिया दो, मैं अपने पुत का मूँह देख ला, वो मेरा पुत नहीं लभना। हाँ जी, इकलौता बेटा ही मेरा। किन्ने साल तो ही बाहर रह रहे? बाहर हो गए 4-5 साल हो गए गए। बेटे की कितनी उम्र? 23 साल उम्र ही। 22 साल। फोन ते गलबात होंदी सी। की कहंदे सीगे? कुछ नहीं, ठीक ठाक ही कहंदे, और कोई फालतू गल नहीं करते। की मांग करदे पंजाब सरकार तो? की ओदी डेड बॉडी छेती छेती इत्थे लियाई जावे, अइयो दा मुंह देखी लास्ट बार, ते अंतिम संस्कार इत्थे हो। ए जी, साडे पिंड दे विच चौथी घटना हो गई, 3 घटनावां इस तों पहलां विदेश दे विच हो गईआं, 2 अमरीका दे विच सी, 1 फ्रांस विच, ए फिर हुण अमरीका दे विच सैटल शहर दे विच इह काके दी मतलब डैथ हो गई आ, ते बहुत मदभागी परिवार की मिली जुली हालत हैगी है। पर चलो, डैडी उन्होंने रिटायर्ड मतलब है आर्मी चो रिटायर आ, तो चलो ठीक ठाक जी, चलो थोड़ी बहुत उन्हें भी काके ने भी बाहर कमाई की होगी थोड़ा बहुत, पर हूँ इस वेले चलो उन्होंने पंजाब सरकार को ये मांग करते हैं भी केंद्र सरकार को भी उन्हों का विदेश मंत्रालय जोड़ा वो जल्दी तो जल्दी इन्हों की डेड बॉडी जी चलो लिया दे, क्योंकि परिवार वो अंतम किरिया जी जो भी हैगी कर लैन अपने हथी, तो मतलब यही हूँ।
होशियारपुर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी उस समय और मजबूत हो गई जब भुलत क्षेत्र से कई परिवार अकाली दल को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान बाबा वरिंदर सिंह जी मुराली वाली के पोते संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराली वाली मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान बाबा जी के साथ उनकी बेटी बीबी जागीर कौर के रिश्तेदारों ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर क्षेत्र इंचार्ज हरसिमरन सिंह घुमान ने कहा कि सभी का आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर भव्य स्वागत है और उन्हें पार्टी में बनता मान सम्मान दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी रिटेल ब्रांड और टाटा समूह का एक सदस्य तनिष्क ने बरनाला में पक्का कॉलेज रोड पुराने बस स्टैंड के सामने अपना नया शानदार स्टोर शुरू किया है। स्टोर के फ्रेंचाइज पार्टनर पवन गोयल और कशिश गोयल ने बताया कि नॉर्थ 2 के रीजनल बिजनेस मैनेजर अरुण कुमार ने स्टोर का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि नए स्टोर की खुलने की खुशी को उपभोक्ताओं के साथ बांटने के लिए तनिष्क ने एक आकर्षक ऑफर की घोषणा की है जिसमें हर खरीदारी के साथ एक सोने का सिक्का निःशुल्क उपहार के रूप में मिल सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि 24 मई से 26 मई तक इस ऑफर का लाभ उठाया जा सकता है। इस मौके पर नॉर्थ 2 के रीजनल बिजनेस मैनेजर अरुण कुमार ने कहा कि बरनाला शहर में उनके नए स्टोर के खुलने से उन्हें बेहद खुशी हो रही है। ये इस क्षेत्र का हमारा 24वां स्टोर है। देश भर के उपभोक्ताओं का पसंदीदा ज्वेलरी ब्रांड होने के नाते उनका सबसे बड़ा लक्ष्य उपभोक्ताओं को अतुलनीय सेवा प्रदान करना है। इस मौके पर दैनिक सवेरा के पंजाब मार्केटिंग हेड अजीत सिंह और उजास एडवर्टाइजमेंट के विपिन डाबर विशेष रूप से पहुंचे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बिजनेस मैनेजर है तनिष देवेच। अज असी अपना पक्का कॉलेज रोड से तनिष का स्टोर की ओपनिंग की है, इनॉग्रेशन की है। हम साढ़े कुल मिला के पंजाब 14 स्टोर हो गए। तो जे मैं गल करा अपने रीजन की, जितों मैं चंडीगढ़ तो जो पूरा रीजन देख रहे हैं, तो असी साढ़े को 25 स्टोर हो गए हूँ। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब की गल करिए, चंडीगढ़ के नाल। तो अज स्टोर खुलिया है, स्टोर असी हो गए 2 महीने इतने ऑपरेशन हुए नू साढ़े स्टोर नू। तनिष की फिलोसफी है कि दैट कस्टमर दे कोल सारे डिजाइनस लैके जाने, तो साढ़े जिन्हें भी स्टैंडर्ड की रेंज है, साढ़े गोल्ड की रेंज है, सारी इतने पूरी डिस्प्लेड है। पंजाब की टेस्ट नू ध्यान च रखते हुए अमृतसरी जड़ाऊ हो गया, साढ़े डायमंड की रिंग्स हो गई, और बाकी जिहड़ियां साढ़ियां बेसिक रेंज होंदी है सारी, असी एक नवी कलैक्शन लैके आए हैं ग्लैम डेज, और ग्लैम डेज भी इतने डिस्प्ले है। तो लुधियाने भी शोरूम है, बठिंडे भी शोरूम है, लेकिन बरनाला साढ़े वास्ते एक इंपॉर्टेंट मार्केट सी क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है, लोगों का टेस्ट ब्रांडेड ज्वेलरी वास्ते काफ़ी बढ़ रहा है। तो उन्हों पूरा करने वास्ते असी स्टोर खोलिया इतने। मैं तुहाडे राही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ आओ साढ़े स्टोर पर, एक बार साडा हौसला अफजाई करो, देखो कि असी किस तरह की रेंज लैके आए हैं। कुछ एक ऑफर चल रही है तुहाडे वास्ते क्योंकि अज इनॉग्रेशन की है, तो 3 दिन वास्ते ऑफर है कस्टमर वास्ते। तुहाडा कोई भी जो पुराना कोई स्टैंडर्ड डायमंड का प्रोडक्ट हो, एक्सचेंज होना हो, तो वो उपर कोई डिडक्शन नहीं होएगी, कोई कटौती नहीं होएगी, जे वो 14 कैरेट तो उपर प्योरिटी आती है। तुसी कुछ भी परचेज करते हो तो तुहानू इत्थे एक गोल्ड कॉइन मिलेगा, जो टोकन गोल्ड कॉइन है हर परचेज के उपर 15,000 तो उपर जो परचेज होएगी। से आके एक बार डिजाइन का देखो, और तनिष का नाम पूरे इंडिया च है, साढ़े 485 शोरूम हो गए हैं पूरे देश के विच। से मैं चाहूँगा कि जरूर एक बार आके हौसला अफजाई करो। सर गोल्ड के रेट दिनों दिन हाई जा रहे हैं, हाँ जी डिमांड भी है, पर तनिष्क ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਾ ਅਗਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਊਰੇਬਿਲਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ
इंटरनेशनल है उन्होंने तो कंट्रोल नहीं कर सकते असं, लेकिन असं डिज़ाइन वाले पक्षों काफ़ी कोशिश करते हैं कि अपना तो अफोर्डेबिलिटी बनी रहे। सर हम पंजाब का हमारा ये बरनाला में स्टोर ओपन हुआ है जी, और हम बहुत ही आभारी हैं टाइटन कंपनी के भी और कस्टमर्स के भी। और यहाँ पे हमारे पास ज्वेलरी में गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी में सर हम डील करते हैं, जिसमें आपको गोल्ड इयररिंग्स, गोल्ड रिंग्स, फिंगर रिंग्स, नेकलेसेस, वेडिंग ज्वेलरी आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। और हमारे यहाँ पे ओल्ड गोल्ड देने की भी सुविधा है, पुराना सोना दे के आप नई ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ के जो टाइमिंग्स हैं सर वो 10:30 to 8:30 हैं। आपको जो भी हम ज्वेलरी ऑफर करते हैं वो 22 कैरेट में गोल्ड में ज्वेलरी ऑफर करते हैं, 18 कैरेट में डायमंड्स में ज्वेलरी ऑफर करते हैं। सर जो तनिष्क है वो हमारे यहाँ पे 5,000 रुपये से रेंज शुरू हो जाती है, मतलब 5,000 रुपये से बढ़ के कस्टमर्स को सामान मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई 1,00,000 रुपये से सामान शुरू होता है, आपको हर तरीके की वैरायटी मिलेगी। 10,000 की भी रिंग्स मिल जाएंगी आपको, और वेडिंग ज्वेलरी भी आपको हमारे यहाँ से मिल सकती है, जिसमें आप नेकलेसेस, बैंगल्स, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सर कुछ कंपनीज ने EMI का जो, हाँ जी सर, वो हमारे यहाँ पे गोल्डन हार्वेस्ट प्लान है सर, जिसमें आपको 10 किस्तें देनी होती हैं जी, और उसके बाद कंपनी आप 3 महीने मिलते हैं आपको परचेजिंग के लिए। उसमें आपको 55% बेनिफिट, 65% बेनिफिट और 75% बेनिफिट मिलता है। और सर हमारे अभी कंपनी ने एक रिवा गोल्डन एडवांटेज स्कीम लॉन्च की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। जैसे गोल्ड रेट पिछले आपने 2-3 महीने में देखा है कि एकदम 10,000 रुपये की गोल्ड ने उछाल ली है, तो उस रिवा गोल्डन एडवांटेज में आप अपना गोल्ड रेट बुक करवा सकते हैं। आपने सपोज एक ग्राम गोल्ड बुक करवा सकते हैं जो भी प्रिवेलिंग रेट होगा, और उस प्रिवेलिंग रेट से आप अपना गोल्ड बुक कर सकते हैं, तो जो इंक्रीज होने के चांसेस हैं गोल्ड रेट के वो खत्म हो जाते हैं। और उसमें फिर आपको अप टू 50% का डिस्काउंट भी कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि पिछले जब से कंपनी ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं 1996 से, उसके बाद से अब सबसे पहली बार इतना अच्छा डिस्काउंट आया है, और ये सबसे अच्छी स्कीम है जो हम अपना गोल्ड रेट को बुक करवा सकते हैं। सर बहुत अच्छा लग गया, इतनी डीलिंग बहुत अच्छी है, स्टाफ दे मेंबर्स बहुत पोलाइट है गए, तो उन्होंने साढ़े ना बहुत अच्छा दी। वैरायटीज नु लेके कितना लगा? वैरायटी बहुत है, कस्टमर्स ने असि कहने भी वधिया है तनिष्क, तो इतने जरूर आ विजिट कर। इतने पहला तो जोड़े है तनिष्क के मैंबरस हैं, बहुत वधिया इन्हों की डीलिंग है, बहुत मिठे हैं, तो मैं सारी ज्वेलरी भी नोट की है, बहुत अच्छे डिजाइन है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रही है, गैदरिंग भी अच्छी है। मैं आज टॉपस लेके जाऊंगी। हाँ जी की कहना चाहूंगी बरनाला निवासियों को, प्लीज करें शोरूम। मैं यही कहना चाहूंगी कि तुसी जरूर विजिट करो इतने आके, तो काफ़ी अच्छी डीलिंग भी है और वैरायटी भी बहुत अच्छी है, सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं और रेट भी ठीक है, जेन्युइन है, काफ़ी स्कीम्स भी हैं वो तुसी आके फॉलो कर सकते हो, समझ सकते हो इन्हों तो। तो 2-3 स्कीम तो एक तो मैं भी फॉलो कर रही हूँ स्कीम इन्हों की, तो बहुत अच्छी है, जरूर आओ विजिट करो। बरनाला में शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध संस्था YS ग्रुप ने बरनाला क्लब में विद्यार्थियों की प्रेस वार्ता की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस CBSE बोर्ड द्वारा हाल ही में घोषित 10वीं और 12वीं के परिणामों से संबंधित थी। इस दौरान छात्रों ने संवाददाताओं को बताया कि उनके स्कूल से 12वीं कक्षा के 26 छात्रों ने 90% से अधिक प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। इसी प्रकार 10वीं कक्षा के 23 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे बरनाला जिले का नाम रोशन किया। इस बीच 12वीं कक्षा के छात्रों ने बताया कि उनके स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 7 बैच चल रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि CBSE पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को JEE, नीट, UPSC, CA, लॉ परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है, ताकि छात्र अपने भविष्य में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और इन परीक्षाओं को देकर उच्च स्थान प्राप्त कर सकें। वहीं छात्रों ने ये भी बताया कि पिछले वर्ष से उनके स्कूल ने छात्रों द्वारा स्वयं लिखी गई 9 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। अंत में छात्रों ने कहा कि इस संस्था में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को जीवन में उच्च पद प्राप्त होते हैं। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मेरी मीन में 99.76% आई है और इसमें मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प की है। जैसे मैं केमिस्ट्री में 11th में बिल्कुल वीक था कि मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी,
पर 12th में मेरे टीचर ने मुझे पुश किया केमिस्ट्री करने के लिए, और अब मेरा IIT एडवांस का पेपर है और मैं सबसे कॉन्फिडेंट अगर किसी सब्जेक्ट में हूँ वो केमिस्ट्री है कि मेरे केमिस्ट्री में नंबर आएंगे। जैसे आपने IIT चूज़ की तो कैसे चूज़ की, कैसे पता चला इसको चूज़ करें? मेरा बड़ा ब्रदर है वो फिलहाल NIT जलंधर में है, तो उसने मुझे मतलब प्रेरित किया कि हमें JEE की तैयारी करनी चाहिए। स्कूल ने इसमें कैसे मदद की? स्कूल ने हमारे रेगुलर टेस्ट होते थे जिसके टोटल डाउट डिस्कशन होते थे, और जब नंबर कम आते थे तो मैं कहूँगा मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर वक्त मोटिवेट रखा, उन्होंने कभी मुझे डाउन नहीं पढ़ने दिया। IIT के लिए लोग बाहर जाते हैं, पटियाला बठिंडा और दिल्ली? नहीं, मुझे नहीं लगता बठिंडा पटियाला जाना ज़रूरी है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप खुद पर भरोसा रखोगे या सेल्फ स्टडी करते रहोगे तो JEE का पेपर जहाँ मर्जी हो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। IIT सोच के चले थे आगे या कुछ और भी था? नहीं, मेरा क्लियर एम था कि मैं IIT में जाऊँगा और CSE। बच्चों को क्या, जो कुछ बच्चे कुछ नंबरों के कारण रह जाते हैं, बच्चों को देखा? मुझे ऐसा लगता है अगर आपका रह भी रहता है ना तो आपको बस ये होना चाहिए कि एटलीस्ट मैंने इसमें ट्राई तो किया, बिकॉज IIT एडवांस सबसे टफेस्ट एग्जाम है और इसमें अपीयर करना भी बहुत बड़ी बात है। स्कूल में बैच चल रहे हैं JEE नीट का, वो आपने ज्वाइन किया? यस, मैंने JEE नीट का ज्वाइन किया था, उसमें हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी जिसमें हमें रेगुलर टेस्ट वगैरह दिए जाते थे और उनके डाउट डिस्कशन होते थे। बैच में कितनी मदद मिली क्लियर करने में? बैच क्लियर करने में बहुत मदद मिली, जैसे वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा बुक्स करवाई जाती थी जिसके कारण हमें बहुत हेल्प मिली एग्जाम देने में। स्कूल का क्या, कैसा रोल रहा स्कूल टीचर मैनेजमेंट उसका कैसा? जैसे स्कूल टीचर्स का मेन रोल था कि वो हमें पढ़ाते थे, पर एक होता ना जब हमारे लगातार टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो टीचर्स जब हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं तुम अभी भी कर सकते हो, अगर हम मेहनत करें तो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मेन टीचर ने मोटिवेशन में बहुत हेल्प की है हमारी। घर में कभी डांट पड़ती थी कि पढ़ ले, पढ़ लो? एक्चुअली मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब मेरे मम्मा मेरे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मेरे 12th में 95.8% आए, मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी, और स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी ही की थी। आजकल एक मिथ चलता है कि ट्यूशन से सब कुछ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्कूल अच्छा हो, टीचर्स अच्छे हमें मिल जाएं तो सब कुछ पॉसिबल है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं 3 बजे तक बैठ के स्कूल में पढ़ती थी, हर एक जो हमारा टेस्ट होता था वो टीचर्स के साथ बैठ के एनालाइज करती थी उसको, तो इससे मेरे नंबर बहुत अच्छे आए। और आगे मैं अपना करियर जुडिशरी में परस्यू करना चाहती हूँ, मेरा सपना है कि मैं एक जज बनूँ, और मेरे टीचर्स इसमें मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, बोर्ड में जब भी मुझे, चाहे रात को चाहे दिन में, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरा कॉल उठाया, मैसेज किया, हर प्रॉब्लम उन्होंने मेरी सॉल्व की। जैसे बच्चे जानू देखते कि जब भी एडमिशन लेते हैं बाहर जाने की सोच सकते हैं अच्छे नंबर, आपकी क्या सोच रही है, उन बच्चों को भी क्या कहना चाहिए जो बाहर जाते हैं? हाँ, तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगी कि हमारे मन में ना पहले ही भरा जाता है या दिमाग में भरा जाता है कि हम बाहर जाएं, बाहर अच्छी स्टडी है, पर हम खुद मेहनत भी नहीं करते कि हम अपने साथ के एनवायरनमेंट में ही कुछ ऐसा ढूंढे। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि डम्मी ले ले, ऐसे नहीं होगा स्कूल से, कि मैंने बाकी भी बहुत एग्जाम्स दिए हैं, एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं, कि ऐसा नहीं होगा स्कूल से, कुछ भी नहीं होगा, बट मैंने स्कूल को ही एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैं 6th से YS में हूँ, और जब मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता मुझे बाहर जाने की ज़रूरत है। जो देखने को मिलता है पेरेंट्स प्रेशराइज होता है, टीचर का भी होता है, कि आपको किसका पेरेंट्स प्रेशराइज लगा या तो ये नॉर्मली सब कुछ? सच बताऊं सबके साथ ही होता है कि पेरेंट्स थोड़ा तो बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट मेरे साथ भी हुआ था बोर्ड के वक्त जब मैं फ़ोन उठा लेती थी तब भी सारे आ जाते थे कि पढ़ना शुरू करो, पर हाँ मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया था क्योंकि उन्हें भी पता था कि एंड में ये कर लेगी, और मैंने कर भी दिखाया। एंटरटेनमेंट के लिए ओनली बुक्स की काफ़ी थी और कुछ किया? नहीं सर, बुक्स बिल्कुल काफ़ी नहीं होती, हर चीज़ में एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना, स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल में ना मूड कोर्ट सेशंस होते थे, जैसे मैंने बोला मैंने जज बनना है, और उसके लिए वो मूड कोर्ट सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो बच्चे आज भी सोच रखते हैं ज़्यादा परसेंटेज लेने के, कुछ कारणों के रह जाते हैं पर वो हौसला छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों को कहना? हाँ, मैंने पहले भी बोला था रुकना बुरी बात नहीं है, बट हार मानना बहुत बुरी बात है। एक टाइम आता है जब हम सब बहुत होप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, बट वही टाइम होता है कि हम अपने साथ बैठे एक अकेले शांत रूम में बैठ जाओ, या जहाँ आपको पसंद है वहाँ बैठ जाओ, अपने टीचर के पास बैठ जाओ जिसको आप अपना मेंटोर मानते हो। मेरे भी मेंटोर थे देव सागर सर, साइकोलॉजी के टीचर, जब मैं प्रेशराइज फील करती थी मैं उनके पास जाती थी, और बस सब कुछ अच्छा लगता था उसके बाद, कोई होप
मुझे तुम्हें लगता है कि यही समय पढ़ाई का अच्छा समय आगे फ्यूचर का अच्छा बनाने के लिए सभी बच्चों के लिए? ये बिल्कुल सही बात है, हर एक चीज करने की एक उम्र होती है और यही एज है कि अगर हम अपनी पढ़ाई पे अपनी स्किल्स पे फोकस कर रहेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। हम आज भी जैसे मैं फोन देखती हूँ तो उसमें आता है जा तो आज पढ़ लो या बाद में स्ट्रगल कर लो, वही बात मेरे दिल को लगी हुई थी वो और बस मैंने कर लिया। बेसिकली मेरे 92.2% आए हैं और इन पे इसका जो क्रेडिट है मैं अपने टीचर्स और अपने स्कूल और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। स्पेशल क्रेडिट मेरे जो हिस्ट्री मेंटोर है मिस्टर रफीक, उन्होंने मुझे हर पॉइंट पे सपोर्ट किया है, उनको मैं स्पेशली कहना चाहूँगी थैंक यू। और मेरे जो सारा स्कूल स्टाफ है उन्होंने बहुत हेल्पफुल रहा है और पेरेंट्स भी जिन्होंने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया है और इतने परसेंट लाने में वो हेल्प किया। मेरा टारगेट तो 95% का था लेकिन मेरे 92.2% आए, बट सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया था, तो जितने भी आ गए बहुत हैं, आगे और मेहनत करो। जैसे आपको प्रैक्टिकल को छोड़कर प्रैक्टिकल जब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता लगता है कि प्रैक्टिकल के कारण संभव हुआ? प्रैक्टिकल के कारण हुआ है क्यों, बिकॉज हमेशा स्टडीज ही सब कुछ नहीं होती, थोड़ा सा माइंड को अगर हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग भी करेंगे उससे ज़्यादा फोकस होगा और स्टडी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। बेटा आपने ट्यूशन कितने महीने रखी? मैंने एक भी ट्यूशन नहीं ली, सारी सेल्फ स्टडी और स्कूल से वो जितनी भी गाइडेंस प्रोवाइड हुई वही से हुए हैं। इसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? मेरा फ्यूचर प्लान UPSC में अपना करियर परस्यू करने का है और सिविल सर्विसेज एग्जाम देने का है। एक बायस बात करते हैं आपके पास कौन सा है? UPSC बैच था जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट की स्पेशल क्लासेज होती थी और मतलब हर मंथली मॉक टेस्ट होते थे जिससे ज्यादा प्रैक्टिस और इनहांस होती थी। आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो ट्यूशन के बिना नहीं रह सकते, वो ये सोचते हैं कि ट्यूशन के साथ ही अच्छे नंबर आते? बेसिकली मेरा तो ये कहना होगा कि सेल्फ स्टडी जितना हम लोग अपने पे फोकस करें और जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से करेक्ट करने की कोशिश करें उससे बेटर रिजल्ट अपने आप पॉसिबल हो जाएगा। मैं +2 साइंस की स्टूडेंट हूँ एंड आई हैव ऑप्टेड मेडिकल स्ट्रीम एंड आई हैव स्कोर्ड 96.2% इन माई +2 ग्रेड। स्पेशली मेरे पेरेंट्स का एंड टीचर्स का साथ बहुत था एंड इट डिपेंड्स अपॉन द हार्डवर्क, अगर हम रेगुलरली हार्डवर्क कर रहे हैं रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं तो इट विल बी पॉसिबल टू स्कोर दैट मच मार्क्स। स्कूल का बहुत सपोर्ट था, हमारा कॉम्पिटिटिव बैच था एंड हमारे रेगुलर टेस्ट होते थे, मंथली मॉक टेस्ट होते थे, हमें वर्कशीट प्रोवाइड की जाती थी एंड फॉर श्योर द प्रैक्टिस इज द मेन थिंग इन ऑल द स्टडीज एंड स्कूल प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स। जैसे सारे टॉपर बैठे हो सारे आपस में कॉम्पिटिशन था? नो इट्स मतलब हेल्दी कॉम्पिटिशन, वैसे नहीं था कि उससे आगे निकलना है, इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज, टेकिंग नॉलेज एंड ग्रोइंग अस। थोड़ा सा फील हुआ किसी का आगे कोई पीछे ऐसे रहे? नहीं ऐसा कभी नहीं फील हुआ, आगे मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है एंड आई हैव टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसे कोई टारगेट नहीं था, मतलब मैं टारगेट रखती थी आज मैंने इस टॉपिक को करना है तो वो मैं टॉपिक करके ही शाम को सोती थी। या तो देखते कि प्रेशराइज होता है कि इस प्रेशर को कैसे खत्म करती है आप वर्गी स्तर? जब हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं अब टीचर से कंसल्ट करते हैं तो सारा प्रेशर हो जाता है, जब वो समझाते कि नहीं इट्स नॉर्मल कि प्रेशराइज होना भी इस जर्नी का पार्ट होता है, सो इट्स नॉर्मल प्रेशराइज तो होता है बट इट्स ओके। अच्छा क्या लगता है आपको सबसे? मुझे बास्केटबॉल खेलने का है। बायस बैचेस की बात करता है आपके पास कौन सा है? मेरे पास नीट जेई कॉम्पिटिटिव बैच था। सर मैंने दसते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल 12वीं चो 26 बच्चे ने सर जिन्होंने 90% तो उत्ते नंबर लते ने, तो 10वीं चो 23 बच्चे ने जिन्होंने 90% उत्ते नंबर लते। सिर्फ 12वीं ते 10वीं चो नंबर नहीं लते, बच्चा ने IIT भी क्लीयर की है, बच्चा नीट के भी पेपर दिते हैं, तो सानू पूरी उम्मीद है बच्चे नीट भी क्लीयर करेंगे, बच्चे क्लैट की भी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं। अल्टीमेटली YS का मुद्दा की है कि बच्चों की सर्वपक्षी डिवेलपमेंट होए, पूरा विकास होए। तो जरा पूछा कि असी बच्चों की किता है, असी बच्चों बस दो चीज़ा कर रहे हैं, नंबर एक बच्चों को वधिया पढ़ाई दे रहे हैं, दूसरा बच्चों को वधिया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो हर किस्म का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि बच्चा सिर्फ नंबर ना रहे, बच्चे की जिंदगी बने, बच्चे का करियर बने। सर कहते हैं दो शब्द ने, एक है जी प्रेशर, दूसरा है पैशन। कहते दोनों चो कोई भी एक चूज कर लो। प्रेशर उदू हूँ जिन्हों पैशन नहीं हूँ, जिसे जज्बा नहीं होंगे उन्होंने लगता है प्रेशर फील। जज्बा आऊगा किमें? जज्बा आऊगा नंबर 1 जो बच्चे जज्बा होगा, नंबर 2 जो संस्था इस तरह के
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ 26 ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ 26 ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ 56 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਜਿਹਚੋਂ 109 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮੈਡਲ ਨੇ। ਚਾਹੇ ATL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 27 ਬਾਰ YS ਗਰੁੱਪ ATL ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਲਈਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ATL ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ YS ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਤੀਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਪੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਸਰ ਪਲੱਸ ਟੂ 'ਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 26 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 90 ਤੋਂ 3 ਕਰ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਹੀ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਬਣ। ਸਰ YS ਦਾ ਟੀਚਾ YS 56 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ YS ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ YS ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, 3500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਾ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਘੱਟ ਐਫਰਟ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 200% ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ 200% ਲਾਊ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ 200% ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 200% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਖੁਬਿਆ ਹੋਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਬੋਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਿਆਏਗਾ, ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗਾ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸਹੀ, ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਤਾਂ ਬਿਲਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 96% ਨੰਬਰ ਲਿਆਇਆ, ਨੀਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਪੋਸਟ ਕਮਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ 96% ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਨਾ ਮੈਂ CA ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ। ਮੈਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੇਰੇ 98 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ CBSE ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ YS ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 4 ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਜੋਬ ਹੈ। ਉਹ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਜੋਬ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੌਂਸਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ YS ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਔਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਈ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਚਾਹ ਮਿੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਗਾਂਵ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈਆਂ ਮੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸੇ ਦੁਖੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ 4 ਸਦਸਿਓਂ ਨੇ ਨਿਗਦੀ ਸਲਫਾਸ ਕੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਤ 2 ਬੱਚਿਓਂ ਕੀ ਹੋਈ ਮੌਤ।
फिरोजपुर तरन तारण के आबकारी विभाग व पुलिस टीम ने ब्यास व सतलुज दरिया के किनारे पड़ते गांव में की छापेमारी। 50,000 लीटर से अधिक लहन और 250 लीटर नाजायज शराब की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।